नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल सोनम्स लाइफस्टाइल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लौंग के फ़ायदे के बारे में बताने वाली हूं। लौंग का इस्तेमाल आम तौर पर भारतीय खानों में किया जाता है। लौंग आपके खाने का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के साथ साथ आपके सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी है। अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको लौंग का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आपको हेल्दी बनाते हैं। लौंग का इस्तेमाल डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके लिए आप एक ग्लास गर्म पानी में 5 से 6 लौंग को 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद उस लौंग को निकाल लीजिए और फिर उस पानी का सेवन आप कर सकते हैं, तो आपको डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। लौंग आपके दांत के दर्द को दूर करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग में दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। अगर आपको दांत में बहुत तेज दर्द है तो आप रुई में थोड़ा सा लौंग का तेल लगाइए और जहाँ आपका दर्द हो रहा है उस हिस्से में आप इसे लगा सकते हैं, तो आपको दांत के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगा। या फिर आप साबुत लौंग को भी चबाकर खा सकते हैं, इससे भी आपको दांत के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। लौंग आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और आपको कई बीमारियों से दूर रखता है। इसके साथ ही लौंग आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। लौंग आपके पेट संबंधित परेशानियां जैसे कि गैस, जलन, अपच, उल्टी से भी आपको निजात दिलाता है, तो इसके लिए भी आप साबुत लौंग 1 से 2 लौंग को चबाकर खा सकते हैं। लौंग सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में भी एक असरदार घरेलू नुस्खा है। चूँकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसकी वजह से ये आपके सर्दी खांसी को जल्दी ही दूर कर देता है। इसके लिए आप साबुत लौंग को चबाकर खा सकते हैं या फिर ब्लैक टी बनाते वक्त आप उसमें 3 से 4 लौंग को डाल दीजिए और उसके बाद आप उस टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग साइनस में भी काफ़ी लाभकारी है। इसके लिए आप गर्म पानी में रोज दिन कुछ बूंदे लौंग का तेल मिलाकर पी सकते हैं। अगर लौंग को आप लंबे समय तक अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको नाक की जलन और साइनस जैसे बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। प्रेगनेंसी में अक्सर वॉमिटिंग और मतली की प्रॉब्लम हो ही जाती है लेडीज़ को, तो इसको दूर करने के लिए आप लौंग को चबाकर खा सकती हैं या फिर आप लौंग को अपने दांतों के बीच में रखिए और उसे धीरे धीरे आप चूसिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा और मतली वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के नीचे आपको लाइक की बटन मिल जाएगी, उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलती हूँ एक ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, सी यू सून एंड लव यू ऑल। बाय बाय।